नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं CGI एनिमेशन को लेके आया हूं, जिसमें आफ्टर इफेक्ट्स एंड देन ब्लेंडर को यूज़ करके मैं एक CGI एडवर्टीजमेंट बनाने वाला हूं, वो भी थोड़े से न्यू है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बना सकते हैं एक CGI एडवर्टीजमेंट आफ्टर इफेक्ट्स एंड ब्लेंडर को मिलाकर। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो मेरे पास वीडियो फुटेज है उसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास वीडियो फुटेज आ चुके हैं एंड देन मैं इसको ट्रैक करने वाला हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे जाता हूँ फर्स्ट फ्रेम पे एंड देन ट्रैक कैमरा को मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे ट्रैकिंग हो चुके हैं। मैं क्या करूँगा, इस टेबल को ही यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, राइट बिकॉज ऑफ कि मुझे इसको सरफेस बनाने हैं। ओके, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड देन क्रिएट सॉलिड ले लेता हूँ। बट सॉलिड हमारा जो है वो पूरा वर्टिकल है, ना कि हॉरिजॉन्टल स्टाइल में आए हुए हैं। तो ये जो कार्ड है उसको मैं रोटेट कर लेता हूँ कुछ ऐसे, ब्लू जो है थोड़ा सा टॉप में आप रखो, इसको टॉप में यहाँ पे होने चाहिए, राइट प्रॉपर वे में। एंड देन मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जैसे मुझे चाहिए होंगे। तो थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लो आप यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है। आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो प्ले करके कि ये टेबल मुझे चाहिए थे एंड देन यहाँ पे मुझे मिलकर आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे मिल गई है मेरे टेबल के अकॉर्डिंग, राइट सी जैसे भी चाहिए, एनिमेशन परफेक्ट है। एंड देन अभी मुझे करना क्या है, अगेन सबको सेलेक्ट कर लो आप फर्स्ट। ओके, एंड देन फाइल में चले जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्क्रिप्ट एंड देन यहाँ पे आपको जेसन स्क्रिप्ट ले लेना है। तो इस बार मैं इसको टेबल के अकॉर्डिंग या फिर ड्रोन के अकॉर्डिंग मैं शॉट ले रहा हूँ, तो ड्रोन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ड्रोन बोलकर मैंने सेव कर दिया एंड देन एक्सपोर्ट कर दिया मैंने इसे। एक बार इसको भी मैं फाइल को सेव कर देता हूँ बिकॉज बाद में मुझे इसे यूज़ में लेने हैं कंपोजिटिंग करने के लिए। तो फाइल एंड देन मैं इसे सेव कर देता हूँ, सेव एज ड्रोन, फाइन। तो मैंने सेव कर रखा है। तो मेरा जो फ्रेम है वो 433 फ्रेम्स के हैं। ओके, एंड देन ये 29.97 है, ये हमेशा याद रखना। ब्लेंडर में आपको पहले सेम थिंग आपको करने हैं, आप फाइल में चले जाओ एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट कर लो आप अपने जो डेटा है जेसन के, उसको आपको यहाँ पे लेके आ जाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं जेसन वाले डेटा जो है वो मैं डाउनलोड से लेके आ जाता हूँ यहाँ पे सी। तो यहाँ पे ड्रोन बोलकर मैंने ले लिया था कुछ ऐसा, ये मेरे को नहीं चाहिए बिकॉज जो वर्टिकल है वो यूज़ में नहीं आते, तो उसको आप हटाई दो, राइट कुछ ऐसा। एंड देन ये टेबल के अकॉर्डिंग है तो ये परफेक्ट है, आप क्लिक करके देख सकते हो कि ये हमारा जो आ रहा है ये परफेक्ट है, राइट। एंड देन अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे लेके आने हैं जो मैंने वहाँ पे जो रेफरेंस इमेज थे वो मुझे लेके आने हैं। तो मैं कैमरा पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे मुझे चाहिए होगा बैकग्राउंड इमेज, ऐड कर लो आप जो भी आपने वहाँ पे ले रखा है। तो मूवी एंड देन मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो मेरे आ चुके हैं यहाँ पे एंड देन इसको आप 100% कर लेना। ओके, तो ये मेरे पास आ चुका है। आप चाहो तो इसको परफेक्ट अगर आपको शेप में अगर एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, सिंपल सा आप टैप प्रेस करो, वन प्रेस करो फॉर वर्टेक्स मोड एंड देन यहाँ से मैं क्या करता हूँ थोड़े से इसको ले लेता हूँ, जैसे भी चाहिए होंगे थोड़े से एडजस्ट कर लो, राइट। तो ये मेरा यहाँ पे आ चुके हैं। अभी मुझे इसके ऊपर कुछ कुछ एडजस्ट करने हैं, जो जैसे मुझे यहाँ पे जूस चाहिए होंगे, जूस के एडवर्टीजमेंट बनाने हैं मुझे, राइट। ड्रोन एंड देन जूस दोनों को ही मुझे यहाँ पे यूज़ में लेना है। तो मैं क्या करता हूँ शिफ्ट जेड कर लेता हूँ, दैट्स इट, यहाँ पे और कुछ काम करना नहीं है। आप एक काम और कर लेना है इस चीज़ को कि आप टैप प्रेस करके बाहर आ जाओ एंड अभी इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, सिंपल चला जाता हूँ एंड देन ले लेता हूँ जूस, राइट। तो मैंने यहाँ पे जूस ले लिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे जूस मेरे आ चुके हैं। आपको जैसे भी चाहिए होंगे वैसे आप यहाँ पे ले लेना। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा जूस कुछ इस तरह से आ जाए, एक तो आ चुके होंगे कुछ वहाँ पे हैं। आप क्या करो यहाँ पे स्केल करो, थोड़े से बड़े साइज़ में ले लेना एंड देन उसे मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए होंगे वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर लेना, राइट। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ जूस के बॉटल को, तो प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, राइट सी। तो यहाँ पे मैंने जूस को एडजस्ट कर लिया है
एंड देन ये उसके ओरिजिन पॉइंट है, तो देखो एक काम कर लेना, राइट क्लिक करना एंड देन कभी भी इसको सेट कर देना ओरिजिन पॉइंट, राइट। तो इसके जो यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट है उसको आप ट्राई करो कि इधर ही लेके आ जाओ, फाइन। जो उसके ओरिजिन पॉइंट है या कांस्टेंट है सारे आप यहीं पे लाकर रख दो, ज़्यादा बेटर रहेंगे कि आप यहाँ पे लेके आ जाना, राइट। तो कुछ ऐसा, ओके। तो आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे जूस कुछ इस तरह से आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ चुके हैं और मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए, लाइक फूड कुछ ले लेता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ से बर्गर को मैंने यहाँ पे लेकर मैं आ गया हूँ, हैमबर्गर स्केल कर दो आप एंड देन अगेन से इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए होंगे, राइट। सी ओके, कुछ ऐसा, फाइन। तो ये भी मेरा आ चुका है, स्केल कर दो आप, इतना तो नहीं चाहिए, इतने साइज़ में रख देता हूँ हैमबर्गर। एंड देन अभी मैं देखता हूँ कि ये मेरा कैसा दिख रहा है, आई थिंक परफेक्ट है। थोड़े से साइज़ अगर आपको बड़े करने हैं छोटे करने हैं तो आप देख लेना यहाँ से, हैमबर्गर इतने बड़े साइज़ ठीक है। बट ऑरेंज आई मीन जो मैंगो जूस है उसकी साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, इतने जितना आपको चाहिए होगा इतना काफ़ी है। हैमबर्गर को थोड़ा सा छोटा बड़ा कर सकते हो, ओके। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। अभी मुझे क्या करना है, देखो इसको एनिमेट करना है कि ये तो हमारे पास रहेगा, बट जूस को ना लेकर आने हैं, राइट। तो जूस की एडवर्टीजमेंट करने हैं तो मुझे लेके आने हैं, वो भी ड्रोन के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन लिख देता हूँ ड्रोन, फाइन। तो मैंने यहाँ पे ड्रोन ले लिया है, आपको पिक कर लेना है ड्रोन की कौन सा आपको ड्रोन यहाँ पे चाहिए होगा। मैं इसको ट्राई करता हूँ, क्लिक करो एंड देन मेरे पास एक ड्रोन आ चुके हैं यहाँ पे, आप चाहो तो देख सकते हो। सिलेक्ट करो, यहाँ पे स्केल कर दो ड्रोन को एंड देन आप एनिमेट करके देखो, नाउ इट्स परफेक्ट, राइट। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मेरे ड्रोन आ चुके हैं एंड देन मुझे इसको एनिमेट करने हैं, फाइन। तो मैंने क्या किया, इसको सिंपल सा सेलेक्ट किया एंड देन सबसे फर्स्ट मैं चाहूँ तो इसको रिवर्स एनिमेशन कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे इसको ड्रोन को मुझे चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, राइट। सी तो आपको सबसे फर्स्ट यहीं पे एडजस्टमेंट करने हैं ड्रोन को कि आपको किस तरह से लेके जाने हैं। तो क्लिक करो एंड देन यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, फाइन। सिंपल सेलेक्ट एंड देन मूव, ओके। ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको लेके आ जाने हैं कुछ ऐसा, राइट। तो ये आपका यहाँ पे आ चुका है, राइट। कुछ ऐसे मीन्स आपको ये ड्रोन के थ्रू मुझे ये डिलीवर करने हैं, मुझे ऐसे कुछ दिखाने हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे ड्रोन आ चुका है एंड देन मैं इसको पेरेंट एंड चाइल्ड बनाऊंगा। तो पेरेंट एंड चाइल्ड मीन्स आपको फर्स्ट आपके जो जूस है उसको सिलेक्ट कर लेने हैं एंड देन यहाँ पे आपको चले जाना है कॉन्स्टेंट में। तो कॉन्स्टेंट को क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करके आपको चाइल्ड ऑफ करना है, मीन्स ये किसके चाइल्ड बनेंगे, ओके। तो पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन यहाँ पे है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन ड्रोन को मैं पिक कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जब भी जाएगा ये इसके साथ ही जाएंगे, राइट। ये देखो एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 29 सी, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बहुत अच्छी खास बात क्या है ना कि आपको इसमें इन्फ्लुएंस मिल जाते हैं, मीन्स एनिमेट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, फिर चले जा सकते हो वैसा। तो मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे इन्फ्लुएंस मेरा ऐसे ही रहेंगे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब भी आप इसको पकड़ के लेके जाओगे तो ये काम कर रहा है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट एनिमेट करना है कि ये यहाँ पे आकर ड्रॉप कर देगा 160। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देखो दो चीज़ मुझे यहाँ पे पहले सेट कर लेना है। तो पहले तो आप यहाँ पे चले जाओ आउटपुट पे एंड देन आउटपुट पे मुझे 24 FPS की जगह मुझे लेना है 29.97 FPS जो मैंने वहाँ पे मेरे आफ्टर इफेक्ट्स में थे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 29.97 FPS में है एंड देन 433 यहाँ पे फ्रेम रेट है। तो यहाँ पे भी आपको कितना लेना है 433, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चाहो तो पूरा इंक्रीज़ कर लो, तो आप देख लो यहाँ पे, ओके। तो सबसे फर्स्ट मुझे क्या करना, 300 फ्रेम तक तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो मैं अगेन कांस्टेंट में जाता हूँ एंड देन आप क्लिक कर दो कांस्टेंट, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे कांस्टेंट, राइट। या फिर मॉडिफाई में भी जाओगे
ओके, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्लिक कर देना, कांस्टेंट आ जाएंगे। मींस मैं क्या करता हूँ, 300 फ्रेम्स में मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट की कर देता हूँ, मीन्स 300 में रहेंगे। एंड देन 300 के बाद ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, उससे पहले आ जाओ आप, उससे पहले मैं क्या करता हूँ इस ड्रोन को ना उड़ा के मैं कहीं लेके जाता हूँ। तो सिंपल सा ये जाएगा ऊपर, फाइन। थोड़ा सा एनिमेशन करना है मुझे, तो मैं फर्स्ट 300 फ्रेम पहले तो आप चेक कर लो, यहाँ पे 300 फ्रेम में ड्रोन को सिलेक्ट कर लेना है, राइट। एंड देन यहाँ पे आई प्रेस कर दो पोजीशन, एंड देन थोड़े से यहाँ पे क्या होएगा ऊपर उठा देना इसको, एंड देन आई प्रेस कर देना, राइट। सी कुछ ऐसे, फाइन ना, तो कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे। एंड देन उसके बाद ये क्या करेगा, जहाँ से लेकर आया है वहाँ पे ये चले जाएगा, फाइन। ड्रोन को ना एकदम लास्ट में यहाँ से दूर कर दो, एंड देन यहाँ पे देख सकते हो ड्रोन, राइट। तो ड्रोन को करके आई प्रेस कर दो, सी। एंड देन आप एनिमेशन देख सकते हो यहाँ पे ड्रोन के एनिमेशन, तो कुछ इस तरह से ड्रोन यहाँ पे आया, ओके। एंड देन यहाँ पे इसको ड्रॉप करना है, एंड देन इसके बाद इसको रिलीज़ करने हैं, एंड देन चले जाना है, राइट। तो अभी आपको करना क्या है, सेव करना है। तो मैंने ड्रोन फाइनल बोलकर मैंने सेव कर दिया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रोन ऐसे करके आया, डिलीवर्ड किया जूस, राइट। एंड देन उसके बाद ये चले जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ 301 पे, बिकॉज 301 में मैंने जो था ये इन्फ्लुएंस डाल रखा है 1, इसको अभी 0 कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एंड देन यहाँ पे इंसर्ट की, राइट। सी यहाँ पे ड्रॉप करेगा, एंड देन इसके बाद ये वापस, राइट। तो मैंने क्या किया, अगेन यहाँ पे आ जाओ, सिलेक्ट करो, एंड देन पहले तो आप 301 पे, यहाँ तक तो वो स्टॉप होने हैं, तो 301 पे इसको थोड़ा सा ना आप ऐसे करके हल्का सा उठाकर आई प्रेस कर दो, राइट। सी एंड देन थोड़े से ऊपर उठेंगे, यहाँ पे आई प्रेस करो, एंड देन लास्ट फ्रेम पे ये वापस चला जाएगा, राइट। तो सिंपल, आपको चाहो तो कहीं लेफ्ट कर दो, राइट कर लो, जहाँ पे भी आपको इसको भेजने हैं वहाँ पे आप इसको भेज सकते हो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ड्रोन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, राइट, थोड़े से हाइट कमी रखता हूँ यहाँ पे, एंड देन आई प्रेस कर देता हूँ, सी ऐसे। मैं देन इसको मैं एनिमेट करके निकाल देता हूँ कि वापस चले गया वो, एंड देन आई सी। तो ये मेरा कुछ एनिमेशन है, आप चाहो तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि जो मेरा एनिमेशन है वो कैसा है, एंड देन इसको हाइड कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट मैं 2-3 चीज़ करता हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या करने वाला था। तो मेरे सारे एनिमेशन हो चुके हैं, ओनली थिंग इज़ पहले तो आप चले जाओ यहाँ पे ईवी से साइकिल में चले जाओ, सीपीयू टू जीपीयू में ले लेना, नीचे आ जाओ, स्क्रॉल करो, फिल्म में जाकर आपको करना क्या है, ट्रांसपेरेंट कर देना है। फिर आप आ जाओ यहाँ पे आउटपुट पे, आउटपुट हमारा 1 से लेकर 433 फ्रेम्स रहेंगे, ओके। आप देख सकते हो सारा कुछ ठीक है, एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको आ जाना है ऑब्जेक्ट में, विजिबिलिटी में आ जाओ, एंड देन शेडो कैचर आपको लेने हैं बिकॉज इसको हाइड करने हैं मुझे, एंड देन यहाँ पे एक काम और भी कर लेना। फाइनली आप यहाँ पे चले जाओ वर्ल्ड में, कलर में जाओ, एंड देन एनवायरनमेंट टेक्सचर आपको ले लेने हैं यहाँ पे, तो एनवायरनमेंट टेक्सचर पे चले जाना, ओपन, एंड देन HDR आपको यहाँ पे पिक कर लेना है, राइट। तो कुछ ऐसा वाइब्स आए जो ज़्यादा बेटर दिखें, तो यहाँ पे आ चुका है। आपको अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे रेंडर व्यू में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी कुछ परफेक्ट है। सेव करो सबसे फर्स्ट, जैसा भी चाहिए सारा कुछ मेरा अवेलेबल है यहाँ पे। ओनली थिंग इज़ कि जो हैमबर्गर है हमारा यहाँ पे, उसको आपको थोड़े से प्लेसमेंट चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे, नाउ इट्स लुक बेटर, ओके। एंड देन यहाँ से मेरा ड्रोन आया कुछ ऐसे, यहाँ पे डिलीवर्ड किया, एंड देन ये वापस चले गया, राइट। तो ये हमारा कुछ एनिमेशन इस तरह से था। आई होप
की आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप CGI एडवर्टीजमेंट बना सकते हो अपने क्लाइंट के लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।